गाइज कैसे हैं, उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज जब मैं जा रही हूँ सालों साल चलने वाला आम का अचार बना, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होता है। इसके लिए मैंने सरसों के मसाले लिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के लगभग सरसों के मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैं सौंफ, अजवाइन को, अजवाइन और मंगरेला को छोड़ करके आप सौंफ और मेथी के दाने को हल्का सा रोस्ट कर ले गर्म तवे पे। उसके बाद में उसे भी ठंडा करके ग्राइंडर जार में डाल करके आप पीस ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 चम्मच के लगभग मैंने इसको डाला है। इससे बहुत ही टेस्टी और यम्मी अचार बनती है। आप 1 से 2 चम्मच के लगभग मंगरेला, जिसे कलौंजी भी लोग बोलते हैं, वो डाले, अजवाइन डाले, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। लगभग 2 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे मंगरेला लिया है। और आवश्यकता अनुसार, स्वाद के अनुसार आप 3 से 4 चम्मच के लगभग नमक डालें, क्योंकि मुझे ये सालों साल के लिए रखना है, इसलिए थोड़ा सा नमक आप तेज़ ही डालें। यहाँ पे देख सकते हैं मिर्च पाउडर मैंने 3 से 4 चम्मच के लगभग डाला है, जो इस अचार को तीखापन देगा और यम्मी और टेस्टी बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर मैंने लिया है कलर के लिए। आप हल्दी पाउडर थोड़ा अधिक ही डालें, जो देखने में अच्छा लगे। इस तरह से सारे मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर ले, जैसे मैंने यहाँ पे मिक्स लिया कर लिया है। मैंने 2 दिन पहले ही आम को कट कर लिया था और उसे धूप में सुखा लिया था, ज़्यादा सुखाए नहीं। और इसे डब्बे में डाल करके, नमक हल्दी डाल करके मैंने 2 दिन के लिए रख दिया, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पानी भी छूट चुके हैं। इसी पानी से मैं इसे धोलूँगी, जिससे ये और भी टेस्टी और यम्मी इतना होगा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग भी इसी तरह से इसे बनाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे बराबर से मिलाते हुए आप मसाला तैयार कर ले। एक खास बात यह है कि आप ये मसाले को सूखा भी स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है। देख सकते हैं मैंने सरसों के मसाले और उसमें मेथी और सौंफ को मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसे भी मैं इसे भी रख लिया है मैंने जार में। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से आप स्टोर करके, फिर कोई मसाला आपको अचार बनाना हो तो आप मसाले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप इस तरह से बना सकते हैं, आलू की अचार बना सकते हैं, करेले का बना सकते हैं, और भी कई तरह के अचार आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी तरह से आप भी इसे मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं मसाले पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे अच्छे से लेकर के मिला लें। उसके बाद में सारे अचार को आप निकाल लें। पहले जो नमक मैंने डाले हुए थे उसको, उस वाले अचार को आप निकालें। आप देख सकते हैं अब मीठा हल्का सा चीनी डाल दें, जिससे इसमें खट्टा मीठा दोनों का स्वाद आएगा और इतना टेस्टी और यम्मी होगा कि मैं क्या बताऊं। इस तरह से मिक्स कर लें इसे भी अच्छे से, पूरे मसाले को अच्छे से मिलाएं, जिससे इसे नमक अच्छे से मिल जाए इसमें। तो देखिए इधर मैंने सारे आम को निकाल करके यहाँ पे रख लिया है। देख सकते हैं आप इसके कितने सॉफ्ट हो चुके हैं ये। आप इस तरह से इसे 2 दिन के लिए मैं रखी थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रखा हुआ था इस तरह से। देखिए सॉफ्ट कितने हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम लोग अब फिल कर लेते हैं या भर लेते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे चम्मच की सहायता से, क्योंकि मसाले बहुत तीखे हो चुके हैं, इसलिए अगर आप हाथ से इसको फिल करेंगे तो हाथ में दिक्कत आने लगेगी, इसलिए आप इस तरह से इसे फिल करें। देख सकते हैं पूरे ऊपर तक अच्छे से इसे फिल करें। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस तरह से फिल किए हैं। चलिए तो सारे को हम लोग इसी तरह अचार को फिल कर लेते हैं और इसे धूप में, यहाँ पे आजकल धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, आप इसे धूप में 2 से 2 दिन के धूप इसे लगाएं, उलट पलट करके इसे लगाएं, जिससे दोनों तरफ से, क्या आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारे को भर लिया है। इसी तरह से आप भी भरें। और इसे तो चलिए इसे हम लोग अब धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इसी तरह से आप भी इसे डालें धूप में। देखिए कितनी कड़कती धूप निकली हुई है इस समय। देख सकते हैं मैंने 1 दिन के धूप में डाला था तो ये इस तरह का हो गया। दूसरे दिन इस तरह से आप पलट ले इसे और इसे आधे घंटे की धूप लगा ले। और उसके बाद में आप इसे गरम तेल सरसों का करें, ठंडा करें, उसके बाद में उसमें इसे डुबो करके अच्छे से तेल भर करके जार में इसे रख करके आप कई दिनों तक स्टोर करके इसे आप रख सकते हैं। महीनों सालों ये अचार चलती है और ख़राब भी नहीं होती। एयर टाइट कंटेनर में ही इसे डालें
जिससे और ये सॉफ्ट रहेगा और आपको सालों साल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप इस तरह से इसे रख ले, और अभी मैंने इसे तेल नहीं डाला है, बाद में मैं डाल दूँगी इसमें तेल। जिस तरह से मैं बताई हूँ उसी तरह से आप भी इसे डालें। मैं कई सतारा की आप लोगों को अचार की रेसिपी दी हूँ, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी मैं चटनी रेसिपी मिठाइयाँ दी हुई हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी चैनल अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू।